अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिरा और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन के कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने बीफ और मटन के भी खाए होंगे, तो आज हमने सोचा कि ना चिकन के कोफ्ते भी ट्राई किए जाएँ। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन, जिसे मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था, खुश कर लिया था। अब मैं इसका कीमा कर लूँगी इस तरह से, ये देखें। अब मैं इसके अंदर डाला है, मैंने 2 टेबलस्पून डाला है मैंने इसके अंदर धनिया बारीक कटिंग किया हुआ। 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज बारीक कटिंग किया हुआ। टू टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक बारीक कटिंग किया हुआ इस तरह से। और अब हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है, इसलिए मैं आपको टीस्पून के लिहाज से बता रही हूँ, यानी 1 टेबल स्पून हाफ बनता है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी का, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है बारीक कुटा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर, और 2 टेबल स्पून यानी मैंने इसके 2.5 टेबल स्पून में इसके अंदर जाएगा बेसन का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, हाथों को मैंने ऊपर ऑयल लगा लिया इस तरह से, और फिर इसके हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, यानी इसके फिर हम कोफ्ते बनाएंगे इस तरह से। बॉल्स बनाते हुए मीट की आप ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो और ये बिल्कुल स्मूथ हो इस तरह से। इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए। साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और मैंने इसको गर्म कर लिया। अब मैं एक एक करके इसके अंदर कोफ्ते डालूंगी और इसे तकरीबन हल्का सा लाइट ब्राउन इसे फ्राई कर लूँगी इस तरह से। कोफ्ते जो हैं ये देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं इस तरह से। अब हम इसे निकाल लेंगे। साथ ही अब मैं इस ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग, और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था बिल्कुल। अब मैं इसे ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी थोड़ी सी देर, ताकि थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई, 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक कप में इसके अंदर डालूंगी टमाटर का पेस्ट इस तरह से। टमाटर थे जो मैंने इनको बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। किधर हम इसके सारे स्पाइसेस यानी मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है नमक, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच मैंने डाली है हल्दी का, 1 चम्मच मैंने डाला है चिली फ्लेक्स का, 1 चम्मच मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर। मसाले जो है आप अपनी मुनासिबत से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले जो अच्छे से मिक्स हो जाए, और 1/2 कप मैंने इसके अंदर डाला है दही का। और इसे हम तब तक बनाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इसमें से।
ऑयल जो है देखिए हल्का हल्का सेपरेट होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाला जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डालूंगी। और जब आपने कोफ्ते को मिक्स करना है इसके अंदर, तो आपने ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से, और इसे ध्यान से मिक्स करना है हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए, इस बात का आपने ध्यान रखना है इस तरह से। कोफ्ते जो है देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर आधा कप या थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाला है, 3 से 4 चम्मच, और इसे अच्छे तरीके से ढक के मैंने रख दिया ताकि जो मसाले हैं वो कोफ्तों के अंदर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं इस तरह से। और इसे मैं तकरीबन 5 मिनट तक मैंने फ्राई किया है इस तरह से। मज़ेदार से चिकन के कोफ्ते जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखें। मेरे घर में क्योंकि आलू कोफ्ते पसंद किए जाते हैं, और मैंने इसलिए इसके अंदर बारीक कटिंग हुए थोड़े से आलू डाले हैं। अगर आप चाहें तो आप मसाले वाले कोफ्ते भी इस तरीके से खा सकते हैं। आलू डाल के मैंने इसे तकरीबन थोड़ी देर तक मिक्स किया था, 3 से 4 मिनट, ताकि मसाला आलू के साथ भी मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डालकर इसे ढककर रख दिया था 5 मिनट के लिए। अगर आप आलू कोफ्ते पसंद करते हैं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, और अगर आपको दूसरे को सादा कोफ्ते पसंद हैं तो आप पहले जैसे भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।